वेतन विसंगति को लेकर आयुर्वेदिक चिकित्सालय परिसर में चिकित्सकों ने पेड़ के नीचे टेबल लगाकर मरीजों का इलाज किया। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसा ही नजारा बुधवार को शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में देखने को मिला। यहाँ चिकित्सकों द्वारा अस्पताल परिसर में पेड़ के नीचे टेबल लगाकर मरीजों का उपचार किया जा रहा है। दरअसल विरोध प्रदर्शन का यह तरीका है। चिकित्सकों का कहना है कि पूरे प्रदेश में 9 आयुर्वेदिक महाविद्यालय है, जिसमें करीब 225 चिकित्सा शिक्षक हैं। सभी चिकित्सा शिक्षकों को सबसे कम वेतन दिया जा रहा है, जबकि अन्य प्रकार के शिक्षकों और चिकित्सकों को काफी अधिक वेतन मिल रहा है। वेतन विसंगति दूर कर उचित वेतन देने की मांग की गई। दरअसल यह प्रदर्शन प्रदेश सरकार के खिलाफ था। मध्य प्रदेश में आयुष महाविद्यालय कुल 9 है और इसमें लगभग 225 के करीब चिकित्सा शिक्षक पदस्थ हैं। आयुष विभाग ऐसा विभाग है मध्य प्रदेश में जिसको सबसे न्यूनतम वेतनमान मिल रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के जितने भी संकाय हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि लाइब्रेरियन है और स्पोर्ट टीचर है, दंत चिकित्सक हैं, पशु चिकित्सक हैं, उनसे भी आधा वेतनमान आज हमें मिल रहा है, जबकि सभी संकायों में एक दशक से भी पहले पुनरीक्षित वेतनमान या संशोधित वेतनमान मिल रहा है। ये आयुष चिकित्सा शिक्षकों को ये पुनरीक्षित वेतनमान डेढ़ दशक के बाद भी नहीं दिया गया है, जिससे हम काफी शोषित महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए आयुर्वेद महाविद्यालय के समस्त आयुष चिकित्सकों द्वारा ओपीडी का संचालन वृक्षों के नीचे किया जा रहा है। एक सूत्री मांग को लेकर मध्य प्रदेश शासन को बार बार आगाह किया जा रहा है कि हमारी मांगे शीघ्र पूर्ण करें। हमें ये दुर्भाग्य हमारा कि हमें पशु दंत महाविद्यालय एवं अन्य महाविद्यालयों की तुलना में आधा वेतन प्राप्त हो रहा है। 2013 से कई महाविद्यालयों पुरक्षित वेतन प्राप्त हो चुका है, लेकिन हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। हम मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान से निवेदन करते हैं कि शीघ्र इसका निराकरण करें और हमें सम्मानजनक वेतन दिलवाएं, साथ हमारा सम्मान करवाएं, क्योंकि हम भी आयुष चिकित्सक समाज की अच्छी सेवा करते हैं।